दिल्ली हिंसा को लेकर शिवसेना भी बीजेपी पर बरस रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। शिवसेना के प्रवक्ता है संजय राउत, उनकी ओर से कहा गया है कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव जीतने के लिए ये दंगे कराए जा रहे हैं। तो दिल्ली में जो हिंसा हुई उसको लेकर अब शिवसेना नेता संजय राउत ने ये बड़ा निशाना सरकार पर ये कहते हुए साधा है कि एमसीडी में चुनाव जीतने के लिए ये दंगे कराए गए। जिस तरह से दंगे का माहौल बन गया है या बनाया गया है, खास करके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के राजधानी में दंगे हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, सिर्फ वहां आप नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए, जो डेट थी, जो तय था, एक शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया है और आप दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है, इसलिए राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार के दंगे की राजनीति करेगी। तो दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस वक्त आमने सामने है। हिंसा के आरोप में गिरफ्तार आरोपी अंसार को बीजेपी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ बता रही है। बीजेपी के नेता इसकी जांच की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर से भी मिलेंगे। जहांगीरपुरी दंगे के एक आरोपी मोहम्मद अंसार के सिर पर आम आदमी पार्टी की टोपी दिल्ली में राजनीतिक लड़ाई का हथियार बन गई है। ये तस्वीरें बीजेपी ने जारी की हैं। अंसार नाम के व्यक्ति, जिसका साफ साफ दिल्ली के यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ फोटो भी है और वो लगातार उनके सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, मैं आज आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता आज इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर को भी मिलने वाले हैं। वो अंसार और आम आदमी पार्टी के कथित संबंधों की जांच की मांग करेंगे। दिल्ली के अंदर तो हमारे को 52% वोट मिलते हैं, हर दूसरा आदमी आम आदमी पार्टी का है। आदेश गुप्ता के मेरे साथ कई फोटो हैं। अब आदेश गुप्ता ने अगर दिल्ली जल बोर्ड पे हमला किया तो क्या मैंने हमला करा उनसे? ऊपर से स्क्रिप्ट तय की जाती है, वो ये पुलिस उस स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करती है। बीजेपी के आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हो रहे हमलों का बचाव किया शरद पवार ने, बोले कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र की जिम्मेदारी है। ABP News आपको रखे आगे।